गुम है किसी के प्यार में का अब तक का सफर एक विस्तृत विवरण। गुम है किसी के प्यार में एक लोकप्रिय हिंदी टेलीविजन धारावाहिक है जो स्टार प्लस पर प्रसारित होता है। यह शो प्यार, परिवार और रिश्तों के जटिल पहलुओं को दर्शाता है। कहानी विराट, साई और पाखी के इर्द गिर्द घूमती है जो एक प्रेम त्रिकोण में फंसे हुए हैं। कहानी का सारांश विराट और साई की शादी। विराट, एक पुलिस अधिकारी, अपनी मृत सहकर्मी की बेटी साई से शादी करने का वादा करता है। दोनों की शादी एक अनचाही परिस्थिति में होती है। विराट और पाखी का अतीत। विराट का दिल पाखी नाम की एक लड़की पर आता है, लेकिन उनकी शादी किसी और से हो जाती है। प्रेम त्रिकोण विराट, साई और पाखी के बीच एक जटिल प्रेम त्रिकोण बन जाता है। विराट और साई के रिश्ते में धीरे धीरे प्यार पनपता है, लेकिन पाखी हमेशा इस रिश्ते में बाधा बनती रहती है। साई की लड़ाई। साई एक मजबूत और स्वतंत्र महिला है। वह समाज में महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ती है और कई बार विराट से टकराती भी है। पारिवारिक नाटक शो में पारिवारिक नाटक, सास बहू के झगड़े और रिश्तों के उतार चढ़ाव को भी दिखाया जाता है। ट्विस्ट और टर्न। कहानी में लगातार नए ट्विस्ट और टर्न आते रहते हैं जो दर्शकों को बांधे रखते हैं। प्रमुख पात्र विराट, एक पुलिस अधिकारी जो अपनी जिम्मेदारियों को बहुत गंभीरता से लेता है। साई, एक डॉक्टर और एक मजबूत इरादों वाली महिला। पाखी, विराट की बचपन की दोस्त और उससे प्यार करती है। भवानी, विराट की दादी और एक सख्त महिला। कहानी की खासियतें। मजबूत महिला पात्र। साई एक ऐसा पात्र है जो महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। रिश्तों की जटिलता। शो में रिश्तों की जटिलता को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया गया है। सामाजिक मुद्दे। शो में कई सामाजिक मुद्दों को उठाया जाता है, जैसे कि महिलाओं के अधिकार, पारिवारिक मूल्य और समाज में महिलाओं की स्थिति। गुम है किसी के प्यार में एक ऐसा शो है जो दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ता है। यह शो प्यार, नफरत, ईर्ष्या और परिवार के महत्व जैसे कई भावनाओं को दर्शाता है। क्या आप इस शो के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं? आप किसी विशेष पात्र के बारे में जानना चाहते हैं? आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या होने वाला है? आप इस शो के बारे में दर्शकों की प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं? मुझे बताएं, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं।